आज के इस संदेश में हम बात करेंगे SBI लाइफ के सरल जीवन बीमा प्लान के बारे में। इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। किसी भी इंश्योरेंस प्लान में रकम निवेश करने से पहले हर व्यक्ति यही सोचता है कि इसमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा या नहीं, मैच्योरिटी पूरा होने पर कितना रकम वापस मिलेगा, डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा, यदि समय पर प्रीमियम जमा नहीं किया तो क्या पॉलिसी बंद हो जाएगा या कुछ दिनों का समय प्रीमियम जमा करने के लिए दिया जाएगा। इस तरह के कई सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। SBI लाइफ का सरल जीवन बीमा एक ऐसा टर्म प्लान जो छोटी छोटी रकम निवेश करने पर पॉलिसी होल्डर को जीवन सुरक्षा कवर की गारंटी देता है। इस इंश्योरेंस प्लान में मात्र ₹271 हर महीने जमा करने पर पॉलिसी होल्डर को 10 वर्षों के लिए ₹10,00,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर की गारंटी मिल जाता है, जो एक महीने का मोबाइल रिचार्ज से भी कम है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म प्लान है जो IRDA के गाइडलाइन पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो हर रोज मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और महीने में थोड़ा बहुत रकम ही बचा पाते हैं। हालांकि इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो भारतीय नागरिक है, लेकिन उन लोगों के लिए मार्केट में इससे भी अच्छा टर्म प्लान मौजूद है जिसमें थोड़ा और रकम खर्च करने पर कई तरह के अतिरिक्त बेनिफिट मिल जाएगा। इस प्लान को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर का उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 65 वर्ष होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। इसमें अधिकतम मृत्यु मुनाफा 25,00,000 और कम से कम 15,00,000 रुपये है। इसका पॉलिसी टर्म 5 साल से 40 साल तक है, यानी पॉलिसी होल्डर को अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर की गारंटी के लिए 5 से 40 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म का चयन कर सकता है। यह रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल प्रीमियम में उपलब्ध है, यानी पॉलिसी होल्डर चाहे तो इसका प्रीमियम एक बार में पूरा जमा कर सकता है या कुछ सालों में पूरा प्रीमियम जमा कर सकता है, या जितने साल के लिए उसने पॉलिसी का चयन किया है उतने सालों तक जमा करने के लिए प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का चयन कर सकता है। यह पॉलिसी वार्षिक, अर्धवार्षिक और मासिक प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में उपलब्ध है, यानी पॉलिसी होल्डर चाहे तो वह अपने प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक और मासिक प्रीमियम के रूप में चयन कर सकता है। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि पॉलिसी होल्डर को ₹271 हर महीने जमा करने पर किस तरह से 10 वर्षों के लिए ₹10,00,000 का इंश्योरेंस कवर की गारंटी मिलेगा। यदि पॉलिसी होल्डर का उम्र 30 वर्ष है और वह SBI का कर्मचारी और केरला का निवासी नहीं है, पॉलिसी होल्डर सम एश्योर्ड ₹10,00,000 का चयन करता है, यानी मृत्यु होने पर नॉमिनी को मिलने वाला रकम का चयन ₹10,00,000 करता है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी यानी प्रीमियम का रकम वह हर महीने जमा करना चाहता है और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन रेगुलर है, यानी पॉलिसी होल्डर 10 वर्षों तक हर महीने प्रीमियम जमा करना चाहता है, तो पॉलिसी होल्डर को हर महीने कितना रकम जमा करना होगा। यहाँ कैलकुलेट करने के बाद जो सामने आया है उसके अनुसार पॉलिसी होल्डर को हर महीने ₹271 जमा करना होगा, जो एक महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी कम होता है। इस तरह से SBI लाइफ के सरल जीवन बीमा में हर महीने ₹271 जमा करने पर पॉलिसी होल्डर को 10 वर्षों के लिए ₹10,00,000 का जीवन कवर सुरक्षा की गारंटी मिलता है, जिसका एक साल में कुल ₹3,252 होता है और 10 वर्षों में कुल ₹32,520 होता है। इसी प्लान का कुल प्रीमियम यदि पॉलिसी होल्डर एक बार में ही जमा करता है, यानी पॉलिसी होल्डर प्रीमियम का रकम जमा करने के लिए सिंगल पेमेंट ऑप्शन का चयन करता है, तो उसे मात्र एक बार ₹19,940 ही जमा करना होगा, यानी सिंगल प्रीमियम में रकम जमा करने पर पॉलिसी होल्डर को ₹12,580 का बचत होता है। और यदि पॉलिसी होल्डर इस प्लान का रकम लिमिटेड में जमा करता है तो उसे हर साल ₹5,320 5 वर्षों तक जमा करना होगा, जो कुल ₹26,600 होता है, यानी लिमिटेड में जमा करने पर ₹5,920 का बचत पॉलिसी होल्डर को होगा। SBI लाइफ सरल जीवन बीमा ग्रेस पीरियड।
SBI लाइफ के सरल जीवन बीमा में पॉलिसी होल्डर को ग्रेस पीरियड का भी समय दिया जाता है, यानी यदि पॉलिसी होल्डर किसी कारण से प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं करता है तो उसे वार्षिक और अर्धवार्षिक प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का चयन करने पर 30 दिनों का अतिरिक्त समय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दिया जाता है। वहीं मासिक प्रीमियम फ्रीक्वेंसी का चयन करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त समय ग्रेस पीरियड के रूप में दिया जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर इन 15 और 30 दिनों में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में पॉलिसी बंद कर दिया जाता है और उसे फिर से चालू करने के लिए पॉलिसी होल्डर को बकाया प्रीमियम रकम के साथ अतिरिक्त रकम सूद के साथ जमा करना होगा। SBI लाइफ सरल जीवन बीमा डेथ बेनिफिट। सभी प्लान के तरह SBI लाइफ के इस टर्म प्लान में भी पॉलिसी लेने के बाद एक साल के अंदर यदि पॉलिसी होल्डर आत्महत्या कर लेता है तो उसके नॉमिनी को किसी प्रकार का डेथ बेनिफिट यानी मृत्यु मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन जमा किया गया प्रीमियम लौटा दिया जाएगा। वहीं अगर पॉलिसी लेने के 45 दिनों के अंदर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु दुर्घटना से हो जाता है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाएगा और यदि किसी और कारण से मृत्यु होता है तो डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। SBI लाइफ सरल जीवन बीमा सरेंडर वैल्यू। SBI लाइफ के सरल जीवन बीमा में पॉलिसी होल्डर को सरेंडर वैल्यू भी दिया जाता है, यानी पॉलिसी लेने के 3 साल बाद यदि पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी को बंद करके रकम वापस लेना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह नियम सिर्फ सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पर ही लागू होगा। रेगुलर प्रीमियम पर यह नियम लागू नहीं होता है। पॉलिसी सरेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर को जमा किया गया कुल प्रीमियम में से 70% रकम वापस कर दिया जाएगा। किसी भी इंश्योरेंस प्लान के पॉलिसी में रकम निवेश करने से पहले उस पॉलिसी के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ही निवेश करें, क्योंकि समय के साथ साथ इस तरह के प्लान में बदलाव होते रहता है। तो SBI लाइफ के सरल जीवन बीमा के बारे में यह जानकारी आपको कैसा लगा और इस वीडियो से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, उसे हम अगले वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।